बोफोर्स घोटाले के मुख्य आरोपी रहे ओतावियो क्वात्रेकी की शनिवार को मौत हो गई। गांधी परिवार के करीबी बताए जाने वाले क्वात्रेकी को भारतीय जांच एजेंसियां कभी भी अदालत में पेश नहीं कर सकी। जिस बोफोर्स तोप सौदे में हुए घोटाले ने भारतीय राजनीति में बड़ा असर डाला है, उसका मुख्य आरोपी क्वात्रेकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबरों के मुताबिक क्वात्रेकी की इटली के मिलान में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक परिवार ने क्वात्रेकी की मौत की पुष्टि कर दी है। क्वात्रेकी गांधी परिवार का करीबी माना जाता था और राजीव गांधी के कार्यकाल में हुए बोफोर्स तोप सौदे में उस पर दलाली के जरिए घूसखोरी का आरोप था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्वात्रेकी को कभी भी भारतीय जांच एजेंसियां अदालत में पेश नहीं कर सकी।